नमस्कार। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे। आज हम लोग बना रहे हैं सान्ना, वीट हम बोलते हैं उसे। और इसके लिए हमें कटहल के पत्ते चाहिए होंगे, तो हम हमारे घर के पीछे जो पेड़ है वहाँ से लेने आए हैं। देखिए, इसे भी देखिए, एंजॉय कर रही है हमारे साथ आके। इसे पेड़ पे चढ़ना बहुत पसंद है, मम्मी की सुनती भी नहीं है, एकदम अपना ही करती रहती है। सो हमें जितना चाहिए उतना हम कटहल के पत्ते लेंगे अभी। देखिए, हमने पत्ते ले लिए हैं, जितने हमें चाहिए उतने। अब हम इसे अंदर लेके जाएंगे घर के अंदर और उसे धो के रखेंगे। तो अभी कटहल के पत्तों से हमें कटोरी बनानी है, जिसके लिए हमें नारियल के पत्ता जो है वो ड्राई वाला पत्ता, उसे लेके उसे छील लेना है, अच्छी तरह से सफा करना है, साफ करना है। वो कटहल की कटोरी बनाने के स्टिच करने के लिए सही रहता है। तो हमने इसे क्लीन कर लिया है। अभी हम लोग इसकी तैयारी करते हैं। सुबह में चावल भिगो के रखे थे, अभी इसको पीस के लेंगे हम। बहुत फाइन नहीं पीसना है, इसे दरदरा ही रखना है। देखिए, इतना दरदरा रखना है। अभी ये भी दाल है जो सुबह भिगो के रखी थी, अभी इसे भी हम लोग फाइन पीस के लेंगे। इसे दरदरा नहीं रखना है, इसे एकदम बारीक तरह से पीस लेना है, एकदम पेस्ट कर लेना है इसकी। चलिए, इतना देखिए जो दिख रहा है ना, ऐसा ही करना है। अभी हमने इसे पीस लिया है, तो अभी सारा मिक्स कर लेते हैं उसमें। ये चावल है जो दरदरा रखा था वो। अब इस चावल में हम लोग ये दाल मिक्स कर देंगे और इसमें नमक भी डाल देंगे। अब हमने इसमें दाल भी डाल दी है। अब पूरी दाल पीस लेंगे, पीस ली है। पीस के अब हमने इसमें मिक्स कर दिया है। और थोड़ी जो बची है फिर से पीस लेंगे उसमें डालने के लिए। आप देखते रहिए। और आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर देना और कमेंट कर देना। अभी जो सभी को पीस कर लेंगे, अभी बाद में क्या करेंगे ना, इसको ढक के ओवरनाइट रखेंगे, ऐसा मिक्स करके ओवरनाइट रखेंगे। बाद में सुबह इसकी सुबह इसको कटोरी में डाल के पका लेंगे।
अब हमने मिक्स करके लिया है और हम लोग ओवरनाइट रख देंगे। सो गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग हो चुकी है, हम लोग उठ चुके हैं और मम्मी तैयारी कर रही है अभी। अभी कटोरी बना रही है और चावल उसमें डाल के उबालने के लिए। सो आप लोग देख रहे हो मम्मी हम कैसे बना रहे हैं। वो जो स्टिच कर रहे हैं ना, वो नारियल का पत्ते का वो स्टिक रहता है ना, वो है। सॉरी। देखिए इतना अच्छी तरह से कटोरी बन चुकी है। अब पूरी नहीं बनी हुई है, अभी एक बची हुई है। आप देखते रहे कैसे बना रही है। हम लोग इसे सानना बोलते हैं। सो वीट भी बोलते हैं, जब हम कटहल के पत्ते में डालते हैं उसको वीट बोलते हैं। और जब बर्तन में डालते हैं, बर्तन में डाल के वो गोल सा बन जाता है, ढोकला जैसा, तो उसे हम लोग सानना कहते हैं। बहुत टेस्टी रहता है। हमारा थोड़ा वो पेस्ट बचा होगा तो हम लोग कटोरे में डाल के भी आपको दिखा देंगे। इसे अच्छी तरह से ध्यान से सिलना पड़ता है। हमने सोचा था इसे हम किसकी सब्जी क्या बोलते हैं, छोले के साथ खाएंगे, चने की सब्जी के साथ खाएंगे, ग्रेवी के साथ खाएंगे, ऐसा सोचा था आज। पर बाद में ये चेंज किया कि हम लोग चिकन ही बनाते हैं आज, सो चिकन के साथ खाएंगे। आप देखते रहे कैसे बना रही है। ओ देखो हमारी नन्ही सी छोटी सी बच्ची। आप लोग कटोरी बनाना सीखना चाहते हो तो आप स्किप मत कर देना वीडियो, अच्छी तरह से देख लेना। अच्छी तरह से देखने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कैसे बनाते हैं कटोरी। स्किप किया तो मिस ही हो जाएगा। आप लोग कैसे बनाते हैं कटोरी, कैसे बनाते हैं ये दिखाने के लिए मैंने वीडियो फुली रख दिया है, जो बना रहे हैं वैसा आपको सिखाने के लिए, मतलब आप लोग को दिखाने के लिए। आपको समझो करना, बस आपको भी लगा कि करना है तो आप भी कर सकते हो।
अब देखिए कटोरी बन के रेडी हो चुकी है। कटहल के पत्तों से बना हुआ कटोरी, जिसमें चावल का आटा जो पेस्ट बनाया हुआ था उसे डाल के उसे उबालने के लिए रख देंगे। चलिए देखिए, इसमें पानी रखा है, बाद में सूखा केले का पत्ता और डाल के एक करना रखा है। अब देखिए नेक्स्ट वाला दिखा रहे हैं हम आप लोगों को। इसे अच्छी तरह से भर के लेना है और पतीले में रख देना है। पतीले में क्या किया हुआ है, पतीले में पानी डाला है, उसमें केले के सूखे केले के पत्ते डाल दिए हैं और एक हरा पत्ता डाला है। सो उबलने के अच्छा रहते तो इस सपोर्ट के लिए रखा रख दिया है उसमें। अब इसे ढक के रखेंगे, ढक के उस पर एक हैवी सा कुछ रखेंगे। तो हमारे पास एक पत्थर है, हैवी बहुत हैवी है, वो रख देंगे उस पर। अब हमने रख दिया है इस पे। केले के पत्ता एक रखा है, उसके ऊपर एक बर्तन प्लेट रखी है और प्लेट के ऊपर अब हम लोग उस पे पत्थर रखेंगे। इससे तो एक आधा घंटा लगेगा उबालने के लिए, पकने के लिए। सॉरी, मैं देख लेती हूँ बीच में पत्ता है या नहीं, मतलब बॉइल हुआ है या नहीं, रेडी हो चुका है या नहीं। आहा, रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकालेंगे। देखिए कितना अच्छी तरह से बना हुआ है, बहुत गर्म है, टेस्टी लग रहा है ना। मुझे ऐसा हो रहा है कब का खाऊं मैं, ऐसा हो रहा है। अब इसे एक बर्तन में निकालेंगे। हमने बोला था ना आपको कटोरे में बना के भी दिखाएंगे, तो थोड़ा पीस बचा हुआ था तो वो बर्तन में डाल के वो भी पका लेंगे। वो सेम मेथड है, उसमें पानी है, सूखा पत्ता डाला है, वो हरा पत्ता निकाल दिया है क्योंकि वो बहुत खराब हो चुका, पानी पानी हुआ था बहुत। तो अब इसमें डब्बे रखेंगे, जो डब्बे में है वो ढोकला जैसे बन जाएगा, तो हम लोग उसे सन्ना कहते हैं और कटोरी में जो बनाया है उसे वीट कहते हैं। इसी भी सेम मेथड ढक के रखना है। सो देखिए हमारा वीट रेडी है और सन्ना भी रेडी है, मतलब एक ही चीज है। कटोरी में बनाया था तो सन्ना हुआ और कटहल के पत्ते में बनाया था वीट हुआ। अब हम लोग सर्व कर लेते हैं। देखिए चावल लिया है, थोड़ा सा चिकन और फिश मच्छी है और ये वो जो हम लोग पकाया था वीट सन्ना। आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।